हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्री लवर ऑयल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इलास्टिक प्लांट और रबर प्लांट, और ये प्लांट कैसे ग्रो करता है, और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कैसा बूसी होगा वो आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और कुछ प्लांट्स है जो कि मैंने कैसे बूसी किया है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट उसका रूट कितना आया है और ये कितना खूबसूरत लीव्स इसका है। लेकिन ये जो रबर प्लांट है ये थोड़ा लीव वेट लीव है, तो आप इसको ज़्यादा पॉट में ग्रो कर रही हो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए वन साइड ये किस तरह से ढल रही है, इस तरह से ये प्लांट वन साइड ढल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, इसका ग्रोथ ऊपर से रोकना चाहिए, और थोड़ा बूसी करेगा तो प्लांट बहुत अच्छा दिखेगा इफ़ आप पॉट में ग्रो कर रही हो। देखिए ये बहुत छोटा प्लांट है लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट है। तो आज हम आपको ये जो चारों प्लांट देख रही हो इसको किस तरह से कटिंग करना है दिखाएंगे। यहाँ से कट लगाते हैं देखिए, और ये जो रबर प्लांट है इसमें वाइट जूस तरह सा निकलता है। तो ये देखिए, थोड़ा मैं एक फोर्क को हटा देते हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो प्लांट में वाइट जूस निकलता है यहाँ पर, इसको कटिंग कर देता हूँ। और आप एक शार्प कटर लेना चाहिए जिसमें कटिंग बहुत अच्छा होगा। देखिए ये कितना लंबा हो गया, तो इसका ग्रोथ रुकने के लिए यहाँ से हम कट लगा देते हैं, इस तरह से कट। तो अभी ये जो कट लगाने के बाद किस तरह से ग्रो करेगा, और भी हमारा पास प्लांट है वो हम आपको आज दिखाऊंगा। यहाँ से कट लगाते हैं तो आपको कटिंग करने से बहुत दुख भी लगेगा, क्योंकि आपने इस प्लांट को ग्रो किया था। अभी प्लांट को हटा देता हूँ। देखिए ये है जो प्लांट मैंने 2 महीने के पहले इसको कटिंग किया था यहाँ पर, और इसको कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ब्रांच निकल के आया है और यहाँ पर भी एक ब्रांच निकल के आया है, और छोटा छोटा जो शूट्स यहाँ पर आ रही है देखिए, और इस तरह सा ये ब्रांच निकलेगा। तो आपका जो प्लांट वो बूसी होके बहुत खूबसूरत लगेगा। और एक प्लांट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लांट देखिए, ये बरगुंडी का प्लांट है जिसको मैंने यहाँ से कटिंग लगाया था, और उसके बाद इस तरह सा इसका 3 ब्रांच निकल के आया है, और भी बहुत शूट्स आ रहा है। इसलिए देखिए इसका ग्रोथ जो ऊपर साइड से बहुत ग्रोथ किया है यहाँ पर हुआ था, उसको भी मैंने कटिंग किया था। अभी यहाँ पर कटिंग लगा देते हैं, जिस तरह सा इसका ऊपर का ग्रोथ नहीं होगा और नीचे से ग्रोथ होगा तो और भी ब्रांचेस निकलेगा, तो दिखने में अच्छा लगेगा। इस तरह सा आप भी घर में रबर प्लांट रखना चाहते हो या अपना गार्डन में, ये देखिए ये बहुत ब्रांच निकला हुआ है, इसका कटिंग यहाँ से लगा था और कितना ब्रांच निकला है आप लोग देख सकते हैं। इस तरह सा आप भी ये रबर प्लांट बहुत अच्छा दिखता है अपना गार्डन में रख सकते हैं। तो
और एक प्लांट भी हमने दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये जो हमारा डेकोरा प्लांट है वो उसको हमने भी कटिंग किया है, नहीं तो ये बहुत ग्रो हो जाएगा और ऊपर ग्रो होने के बाद वन साइड हो जाएगा, इसलिए इसको हमने इस तरह सा बांध के रखा है। देखिए यहाँ पर दो ब्रांच ऊपर से निकला हुआ है और भी छोटा छोटा ब्रांच आ रहा है। ये वेरिकेटेड है, वेरिकेटेड रबर प्लांट। और हमारा भी पहले से एक वीडियो है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं जो कि टाइप्स ऑफ रबर प्लांट क्लोज आपको दिखाऊँगा। कटिंग के बाद ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो इसे मैं कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो कटिंग मैंने अभी अभी किया है उससे इस तरह सा वाइट जूस निकलता है, तो इससे सावधान से इसे कटिंग करना चाहिए, नहीं तो आप ग्लोव्स भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमने अभी आपको बताएंगे कि इसमें क्या खाद देना चाहिए जो कि आपका रबर प्लांट बहुत अच्छा घना हो जाएगा और इसका जो लीव है वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपको एक लेना है जो कि कपड़े, साफ कपड़े, और इस तरह सा इसका लीव को साफ कर देना है जो कि आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और मैं मेरा प्लांट में यूज़ करता हूँ जो कि खाद कोको, हमारा जो मिलता है मार्केट में सरसों का खाद और लीम खली और जो बोन मील मिलता है, इन तीनों को हमने पानी में भिगा के 3-4 दिन रख देते हैं। उसके बाद वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो जाता है जिसमें मैं प्लांट में 1-1 कप दे देता हूँ और ये महीने में एक बार देता हूँ। इसी तरह से मेरा ये प्लांट जो आप देख रही है इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है। देखिए ये कितना ग्रोथ ये प्लांट हो चुका है। तो आप भी अपना प्लांट में इस तरह सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसको विंटर सीजन में कभी भी इस प्लांट को छेड़ना नहीं। ये बहुत स्लो ग्रोथ प्लांट है, ये विंटर में ग्रोथ नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, जब भी विंटर चला जाता है उसके बाद ये बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाता है। और अभी मौसम का सीज़न चल रहा है इसलिए ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो आपको पॉट में ये इलास्टिक रबर प्लांट लगाना है तो वेल ड्रेनेज सॉइल रखना है। देखिए अभी मौसम चल रहा है लेकिन मेरा ये जो पॉट में थोड़ा सा भी पानी नहीं रुकता है क्योंकि मैं वेल ड्रेनेज सॉइल यूज़ करता हूँ जिसमें पानी इस पॉट में नहीं रहेगा। इसीलिए पानी रहेगा तो इसका जड़ जो है वो फंगस अटैक हो जाएगा, इस तरह से आपका प्लांट ड्राई वेट हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स वेल ड्रेनेज सॉइल आपको यूज़ करना है रबर प्लांट। ये बहुत अच्छा प्लांट है जो कि आपने इसको टेरेस में और आपका वो जो रूफ टॉप गार्डन है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये रबर प्लांट मेरे पास 10 ट्राइब का रबर प्लांट रखा हूँ और ये पहला भी मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक में दे दूँगा कितने टाइप का रबर प्लांट है, इसमें मैं मेरा रबर प्लांट सब आपको दिखा चुका हूँ। अभी वो
हमने इसमें थोड़ा सा काम किया, वो आपका आपके साथ शेयर किया हूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस तरह सा वीडियो देखने के लिए। मैं मेरा चैनल में इस तरह सा प्लांट के बारे में वीडियो शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।